नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं मोटर फाइव। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको लेकर आया हूं ग्रैंड टोयोटा मेरठ में और यहां पर मैं आपको बताऊंगा एक नया तरह का कॉन्सेप्ट मैंने शुरू किया है कि अभी तक आप जो भी देखते हैं आपको देखते होंगे कि आपको हमेशा एक्स शोरूम कीमत जो है शोरूम्स पर बताई जाती है, गाड़ियों की बताई जाती है। मैं मोटर फाइव पर आपके लिए लेकर आया हूं इन सभी टोयोटा की गाड़ियों का ऑन रोड प्राइस कि ऑन रोड प्राइस पर ये गाड़ियाँ जो है वो बेसिकली क्या ऑन रोड प्राइस पड़ती है। आप अगर बात करें दिल्ली या गुजरात जहाँ पर भी आप मुझे देखते हैं वहां पर आप स्टेट टैक्स के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 2,000-4,000 रुपीस के आसपास अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन जो ऑन रोड प्राइस है गाड़ियों का यही होने वाला है जो मैं आज आपको बताने वाली हूं। चलो बिना किसी देरी के अपने एक कुलीग के साथ में यहां बात कर लेते हैं और वो आपको क्या करते हैं बेसिकली मैं अपना फोन ही उनके नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं और बता देते हैं चलिए कि हर एक गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या पड़ने वाला है। चलिए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी टोयोटा कार्स पे क्या स्कीम क्या ऑफर्स हम लेकर आए हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो अगर मैं बात करता हूँ ग्लेंजा की, तो ग्लेंजा में आपको मिलता है सर आपको 25,000 रुपये का स्कीम उसमें हमने दिया है। वहीं अगर आप फाइनेंस करा रहे थे फाइनेंस में भी एक अट्रैक्टिव स्कीम्स है कि परचेज नाउ टेक नाउ एंड पे लेटर, सो वो भी ये फाइनेंस स्कीम हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं एंड अप टू 25,000 रुपये का डिस्काउंट हम उसमें दे रहे हैं। देन बात करते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर की, तो टोयोटा फॉर्च्यूनर पे भी हम सेम फाइनेंस हम इस पर फाइनेंस स्कीम हम इस पर आपको अवेलेबल करा रहे हैं कि आप गाड़ी अभी लेके जाइए और पे आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, उसको पे लेटर आप उसको पे बाद में कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इनोवा की, तो इनोवा पे आपको अप टू 50,000 रुपये का स्कीम आपको मिलता है अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो इट इज़ अ राइट टाइम टू परचेज अ टोयोटा व्हीकल। देन अगर बात करें टोयोटा यारिस की, तो टोयोटा यारिस में आपको अप टू 60,000 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ महराज खान और जैसा सर ने अभी आपको बताया तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर टोयोटाज ऑल व्हीकल्स प्राइस। सो इफ मैं अगर मैं स्टार्ट करूँ न्यू टोयोटा इनोवा से, तो टोयोटा इनोवा आपको बेस प्राइस जो आपको पड़ता है मेरठ में, तो एक्स शोरूम GX, इसमें तीन वेरिएंट आते हैं GX, VX एंड ZX। तो अगर मैं GX की बात करूँ तो GX पर आपको एक्स शोरूम पड़ता है सर 17,47,000 रुपी। वहीं पे अगर ऑन रोड की बात करें तो ऑन रोड आपको कॉस्ट पड़ती है आपका 20,89,000 रुपी की। देन इससे ऊपर अगर वेरिएंट में हम जाते हैं जो कि आपका VX वेरिएंट है, उसका एक्स शोरूम आपको पड़ता है मेरठ में 20,89,000 रुपी का। और वहीं पे अगर मैं टॉप इसकी बात करता हूँ इसके ऑन रोड प्राइस की, तो वो आपको पड़ता है सर 24,75,000 रुपये की। देन बात करते हैं टॉप एंड वेरिएंट जो भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन में, तो इसका एक्स शोरूम आपको पड़ता है सर 22,50,000 रुपये। और अगर मैं इसका ऑन रोड की बात करूँ तो ये ऑन रोड आपको पड़ती है 26,53,000 रुपये की। फ्रेंड्स जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी न्यू टोयोटा इनोवा 2.4 लीटर इंजन में आई है, तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसके स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो 150 PS की पावर डिलीवर करती है एट द रेट ऑफ 3600 RPM पे। वहीं अगर इसके मैं माइलेज की बात करूँ तो माइलेज में भी ये एक नंबर ज़्यादा ही है। इसमें आपको माइलेज मिलता है 15.1 KMPL का मैनुअल ट्रांसमिशन में और 14.29 KMPL का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो अभी जो कार आपके सामने है वो है न्यू टोयोटा यारिस। तो अगर इसके मैं प्राइस के बारे में बात करूं, ये गाड़ी आपको दो वेरिएंट्स में मिलती हैं, पहला मैनुअल ट्रांसमिशन, दूसरा CVT कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन के साथ। तो अभी जो आपके सामने ये कार है CVT G वेरिएंट। अगर मैं इस प्राइस की बात करता हूँ, इस कार के प्राइस की मैं बात करूँ, तो एक्स शोरूम आपको इसका मिलते हैं 10 लाख रुपये का और वहीं पर ऑन रोड की अगर इसकी बात करें तो ये आपको पड़ेगी 11 लाख रुपये की ऑन रोड। वहीं पे अगर इसके स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 107 PS की पावर मिलती है और टॉर्क आपको मिलेगा 114 Nm। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के माइलेज की, तो क्या ये माइलेज देती है, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो है कस्टमर के माइंड में एक ही चीज़ आती है कि इतने बड़े कार तो हम ले रहे हैं लेकिन उसका माइलेज क्या होगा। अगर मैं बात करता हूँ मैनुअल ट्रांसमिशन की, तो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मिलता है ये ड्यूअल VVTi टेक्नोलॉजी के साथ आती है जो टेक्नोलॉजी इसमें है, और माइलेज आपको इसमें मिलता है 17.1 का। वहीं अगर बात करूं इसका CVT ट्रांसमिशन की, तो CVT में आपको ये माइलेज देती है 18 KMPL एज पर ARI। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट यू ऑल न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर। सो टोयोटा फॉर्च्यूनर की अगर बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये दो इंजन स्पेसिफिकेशंस में आती है, पहला गैसोलीन इंजन जो कि आपका 2.7 लीटर में आता है, दूसरा डीजल इंजन के बारे में बात करें तो 2.8 लीटर में ही आता है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो प्राइस 4x2 मैनुअल का जो मेरठ में है वो आपको पड़ता है, एक्स शोरूम पड़ता है सर 30,32,000 रुपये का। वहीं अगर ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूँ तो इसमें आपको ऑन रोड प्राइस आपका पड़ता है 36,06,000 रुपये का। वहीं सर इससे ऊपर अगर आप जाते हैं 4x2 ऑटोमेटिक में, तो गाड़ी का एक्स शोरूम आपको पड़ेगा 32,53,000 रुपये का। अगर आप टॉप मॉडल ऑन रोड की बात करते हैं तो ये कार आपको पड़ती है 38,20,000 रुपये की।
हम इसके स्पेशल माइलेज की अगर बात करें तो माइलेज इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है 14.55 KMPL का, और अगर मैं ऑटोमेटिक की बात करता हूँ ऑटोमेटिक में इसमें आपको मिलेगा 14.29 KMPL का एज पर ARI. सो नाउ फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट यू ऑल न्यू टोयोटा ग्लैंजा. टोयोटा ग्लैंजा के स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो ये कार आपको 1.2 लीटर में मिलती है VVTi इंजन के साथ. इसके अगर मैं एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ, ये बेसिकली कार आती है 5 वेरियंट्स में आपको मिलती है, जी वी, जी हाइब्रिड और जी CVT और VCVT की. अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ और माइलेज की बात करूँ तो वहाँ यहाँ पे आपको मिलता है 82 PS की पावर मिलती है जी में, और जी हाइब्रिड की अगर बात करें तो 89 PS पावर की आपको यहाँ पे पावर मिलती है. वहीं अगर माइलेज की इसमें बात करें तो माइलेज आपको मिलता है जी ऑटोमेटिक में मिलेगा आपको 21.9 का, और अगर हाइब्रिड की मैं बात करूं तो 23.89 का आपको इसमें माइलेज मिलता है. अगर बात करें इस कार के प्राइस की तो ये कार आपका स्टार्ट होती है 7,01,000 रुपये से एक्स शोरूम जी मैनुअल ट्रांसमिशन, और अगर ऑन रोड की मैं बात करूं इसमें तो ये कार आपको पड़ती है ऑन रोड 7,93,000 रुपये की. इससे ऊपर वेरिएंट जो आता है वो वी है जिसका एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ता है 7,64,000 रुपये, वहीं पर ऑन रोड प्राइस आपको इसमें मिलेगा 8,64,000 रुपये का. अगर जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि एक वेरिएंट इसमें जी हाइब्रिड भी आता है तो जी हाइब्रिड का जो एक्स शोरूम है वो आपको पड़ता है 7,45,000 रुपये का, वहीं उसकी कॉस्ट आपको ऑन रोड पड़ती है 8,45,000 रुपये की. थैंक यू. तो दोस्तों आपको पता चला कि अभी ऑन रोड प्राइस इन सभी गाड़ियों का क्या है. देखिए मैंने पूछा कि इथियोस लीवा और इथियोस के बारे में, तो फिलहाल मुझे बताया गया है कि वो गाड़ियां जो है अभी मार्केट में नहीं है, यानी कि वो बंद कर दी गई हैं टोयोटा की तरफ से. तो फिलहाल यही गाड़ियां हैं जो अभी आपको ऑन रोड प्राइस पर टोयोटा में मिल जाएंगी. मैं इस शोरूम का यानी कि जो ग्रैंड टोयोटा है इसका कॉन्टैक्ट नंबर और इसकी डिटेल्स यानी कि इसका जो एड्रेस है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इनको कॉल करके भी इनके लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता कर सकते हैं. कि अभी आपको सारे डिस्काउंट जो है वो टोयोटा की तरफ से खुद बता दिए गए हैं कि भैया किस पर क्या डिस्काउंट है और EMI स्कीम्स वगैरह क्या है. तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी बनी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ. आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.